नमस्कार, वेलकम दोस्तों। आज हम अपने रोहिंद्र भाई को बाइक रोकना सिखाएंगे। इससे पहले रोहिंद्र भाई को गियर चेंज करने सिखाए, बाइक सिखाई, ट्रैक्टर सिखाया, कार सिखाई। तो आज इस वीडियो को आप देखिए, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा रोहिंद्र भाई, आपको पहले की वीडियो में कैसा अनुभव लगा? अच्छा। आज भी अच्छा लगेगा। देखिए रोहिंद्र भाई, आगे के टायर पर ब्रेक अप्लाई करना है, यानी रोकने के लिए हम ब्रेक को काम में लेते हैं। तो आप इसको दबाएंगे, ओके। और ध्यान क्या रखना है, जब ब्रेक दबाएंगे तो एक्सीलेटर पूरा काम कर देंगे। पीछे के टायर पर ब्रेक अप्लाई करना है तो आप इसको दबाएंगे, और अधिकतर टाइम आपको पीछे का ब्रेक ही लगाना है। केवल आगे का ब्रेक तो आप इमरजेंसी में लगाएं, क्योंकि आगे का ब्रेक लगाने पर आपकी गाड़ी गिर भी सकती है स्लिप होकर। अब जैसे गाड़ी आपकी 30 स्पीड से चल रही है और आपको रोकना है, वहाँ पे आगे रोकना है, वहाँ तक एक्सीलेटर पूरा कम कर दो और पीछे का ब्रेक दबाओ, ओके। पीछे का, अब इतनी धीरे हो गई आपकी गाड़ी तो आप क्लच दबा दो, ओके, और पीछे का ब्रेक दबाए रहना दो जब तक गाड़ी पूरी ना रुक जाए, ओके। तो आपने क्या किया कि एक्सीलेटर पूरा कम कर दिया, क्लच दबाया नहीं, और पीछे का ब्रेक स्मूथली लगाया, मतलब ज़्यादा नहीं दबाया कि आपकी गाड़ी का ब्रेक, पीछे का जो टायर है जाम हो जाए, ऐसा नहीं। आपने स्मूथली पीछे का ब्रेक दबाया और बिल्कुल गाड़ी धीरे होने पर आपने अपना क्लच दबा दिया। यही रोकने का प्रोसेस है। और आपने आगे का ब्रेक यूज़ नहीं किया क्योंकि आपकी कोई इमरजेंसी नहीं थी, आपको आराम से रोकना था। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।